सो गाइस आज के स्टूडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का लॉकडाउन कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे कि आप सबको पता है कि कल से लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो चुका है, और आग पे प्लेस जहाँ पे रहते हो वहाँ पे अगर लॉकडाउन नहीं हुआ है तो कमेंट करके जरूर बता देना। अगर लॉकडाउन हो चुका है फिर भी आप कमेंट कर देना। तो इसलिए जो है मैंने ये वाला फोटो एडिटिंग लेके आ गया हूँ, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज फोटो एडिटिंग के वीडियोस मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक एम हम 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं तो कंप्लीट करा देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप में ये वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको चले जाना है क्रॉप पे। क्रॉप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का प्रोट्रेट वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ से आपको इसे डन कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको इंडिया का जो है PNG मिलेगा ब्लैक कलर का, उसे आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे जो है आपको ऐसे जूम कर देना है, फिर इसको ऊपर के साइड अच्छे से एडजस्ट कर देना है इस तरह से, ओके। और ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपको जो इसका ओपेसिटी है आप यहाँ पे 20% के आसपास रख लेना, तो मैं यहाँ पे 21 रख लेता हूँ, और यहाँ से इसे मैं डन कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा ऐड फोटो पे, और यहाँ से जो है आपको यहाँ पे चेन का जो एक PNG मिलेगा उसे आपको ऐड करना है, और इसे जो है आपको ऐसे एडजस्ट कर देना है क्रॉस करके, ओके। और ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे एरेस पे जाके जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसे आपको एरेस कर देना है। तो मैं यहाँ पे एरेस पे जाता हूँ, और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ऐसे एरेस कर लेता हूँ, और ये साइड से भी ऐसे एरेस कर लेता हूँ। और ये होने के बाद आपको सिंपल से यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इस पर चले जाना है, और यहाँ से आपको ब्लेंडिंग मोड को कर देना है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो यहाँ पे ओपेसिटी है आप यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेना, मैं यहाँ पे 66 रख के डन कर देता हूँ। इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे जाके उसी PNG को वापस से ऐड कर लेना है, और इसको आपको ऐसे क्रॉस करके एडजस्ट कर लेना सेम, और ऐसे ही एरेस कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लिया। इसके बाद आप सेम वापस से ब्लेंडिंग मोड पे जाके मल्टीप्लाई कर लेना, और ओपेसिटी को 66 रख लेना, एक ज़्यादा और एक कम ऐसा मत रखना। और ये होने के बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर देना है। इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे चले जाना है, और ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कर लेना जो कॉजन के जो स्ट्राइप्स होते हैं, टेप होते हैं, उसे आपको ऐड कर लेना है, और इसे जो ऐसे आपको जूम कर लेना है। और ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे एडजस्ट करने के बाद आपको इसे यहाँ से डन कर देना है। अभी हम फिर से जाएंगे ऐड फोटो पे, और उसी तरह का लगभग थोड़ा सेम टू सेम वैसे ही एक PNG रहेगा, उसे आपको ऐड कर लेना है, और इसको आपको जस्ट ऐसे नीचे के साइड से ऐसे एडजस्ट करना है, और यहाँ से आपको इसे डन कर देना है। और यहाँ पे जो स्टे होम है ये आपको थोड़ा सा दिखना चाहिए, और इसके बाद आपको चले जाना है फिर से ऐड फोटो पे, और यहाँ से आपको अपने मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना है पहले से कटआउट करके। और अगर आपको कटआउट करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप जाके सीख सकते हो। इसे जो मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ बिल्कुल मिडिल में, आप चाहे तो सेम टू सेम ऐसा पोज दे सकते हो, या फिर अपना फेवरेट पोज भी दे सकते हो अपना मर्जी का। और ये होने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद फिर से आपको चले जाना है ऐड फोटो पे, और ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक PNG मिलेगा स्टे होम वाला, उसे आपको इसे ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ और ऐड कर लेता हूँ, और इसे जो आपको यहाँ पे फोटो के राइट कॉर्नर में रख लेना है ऐसे, और इसका जो यहाँ पे ओपेसिटी है आप यहाँ पे कम कर लेना, और यहाँ से इसे आपको डन कर देना है। ये हो गया। इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना है, और सेम इसी तरह का एक लॉकडाउन का टेप रहेगा उसे आपको ऐड कर देना है, और इसका जो है आपको यहाँ पे पहले इधर एडजस्ट करना है, ओके। और ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे एरेस पे जाके जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसे आप एरेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरेस पे जाऊँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ मैं, और ऐसे आपको इसे ऐसे एरेस कर लेना है। और ये करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे थोड़ा सा यहाँ पे शैडो की तरह दिख रहा है, इसको भी आपको यहाँ पे एरेस करना मत भूलना, ओके। इसे भी एरेस कर लेना है जो भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एरेस कर लेता हूँ, और ये होने के बाद यहाँ से डन कर लेता हूँ, और यहाँ से भी डन कर लेता हूँ। अभी हम फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे, और एक और स्ट्राइप रहेगा उसे हम ऐड कर लेंगे, और इसे भी सेम हम पहले की तरह करेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे जस्ट इसके नीचे के वाला पार्ट पे रखना है, ओके। पहले वाले को हमने ऊपर रखा था, अब इसे हम नीचे रखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे एरेस पे जाएंगे, और यहाँ से हम इस शैडो को एरेस कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ, और यहाँ से भी इसे डन कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पे स्ट्राइप लगाने का काम खत्म हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे, और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ अपना ये वाला PNG को, और इसे जो आपको ऐसे जूम कर लेना है, और इसको आपको नीचे के साइड ऐसे एडजस्ट कर देना है। मैं और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इस तरह से, और ये लगाने का बहुत अच्छा लगेगा, आपका फ़ोटो जो है मर्ज हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि जो बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा ऐसे दूर है ऐसे लगेगा, ओके। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो ये येलो कलर मतलब इतना भी ज़्यादा शाइन आ रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ओके। तो हम ऐड फोटो पे जाके एक शैडो के PNG को ऐड कर लेंगे, जो कि मैं हर एक वीडियो में कम से कम मैक्सिमम 90% वीडियो में मैं यूज़ करता हूँ वो, तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ।
तो इसे जो है मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद आपको ऐसे जूम कर देना है और यहाँ से डन कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, जो पहले था वो उतना भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे हम यहाँ पे डन कर देंगे तो देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ओके, ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे और ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, सिंपल से आपको ड्रॉ टूल में चले जाना है। और ड्रॉ टूल में आने के बाद यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपको कलर पर जाना है यहाँ पर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको वाइट कलर सिलेक्ट करके डन कर देना है। फिर आपको ब्रश पर जाना है और ब्रश पर जाने के बाद जो भी मैं यहाँ पर सेटिंग रखूँगा वही आपको रखना है। ओपेसिटी 30% रख लेना और साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं यहाँ पे 50% रख लेता हूँ। और हार्डनेस को बिल्कुल कम करके सेट कर देना और इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे अपने कपड़े के पास ऐसे अप्लाई करना है, मतलब जहाँ पे भी आपको शाइन चाहिए। ओके, लेकिन ये जो है अभी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वीडियो लास्ट तक देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पहले मैं यहाँ पे जहाँ पे भी मेरे को शाइन चाहिए वहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैंने जो है जहाँ पे शाइन मारना था सारे जगह पे मैंने अप्लाई कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके ये वाला आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे ओवरले कर देना है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे ओवरले कर लोगे तो आपका जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, पहले हमारा फोटो इतना शाइन नहीं आ रहा था, आप देख सकते हो क्लॉथ्स में भी शाइन आ रहा है, हमारा फेस में भी आ रहा है। अगर आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा तो मैं यहाँ पे ये ऑफ करके बता देता हूँ। ये देख सकते हो बिफोर और ये देख सकते हो आफ्टर। ओके, और ये देख सकते हो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे पिक्सार्ट एप्लीकेशन में काम खत्म हो चुका है। सिंपल से आपको 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज को सेव कर लेना है। लेकिन ये जो है बिना रिटचिंग का फोटो, मतलब कुछ काम का नहीं है, इतना सब हमने एडिट किया, तो जल्दी से रिटचिंग कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। आपको भी अपना फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। तो मैंने जो है शेयर कर लिया है लाइटरूम एप्लीकेशन में अपने फोटो को, वो वाले फोटो को जो हमने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में एडिट किया था। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो ये वाला आइकॉन है फर्स्ट वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको हाईलाइट्स को सबसे पहले कम कर देना है 50% के आसपास और यहाँ पर शेडो को आपको इंक्रीज़ कर देना है 30% के आसपास। फिर वाइट्स को इंक्रीज़ करके ब्लैक को भी आपको इंक्रीज़ करना है यही अमाउंट पर। ओके, 2316। इसके बाद आपको ये जो है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन है, इसको आपको जस्ट यहाँ पे माइनस पे रख देना है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे इमेज टूल पे जाके ऑरेंज का जो यहाँ पे सैचुरेशन है इसको आपको इंक्रीज़ करना है, सॉरी लुमेंस को, और सैचुरेशन को डिक्रीज़ करना है। ये हो गया। इसके बाद आपको रेड टोन पे जाना है, रेड का आपको थोड़ा सा सैचुरेशन इंक्रीज़ करना है, फिर येलो का भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना और जो ह्यू है इसको आपको यहाँ पे माइनस प्लस कहाँ पे भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा माइनस रख लेता हूँ, -5। इसके बाद जितने भी यहाँ पे बाकी के कलर है सबके आपको सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देना है। जैसे देख सकते हो मैं एक एक कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबके कलर को माइनस कर दे रहा हूँ। इससे होगा कि आपका जो फोटो एक ब्लैक कलर के टोन में आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, ये होने के बाद आपको वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करना है, फिर यहाँ पर जाने के बाद आपको टिंट को थोड़ा सा ऐड करके टेम्परेचर को थोड़ा सा ऐड करना है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर लेना 10% के आसपास, विग्नेट को आपको -20% के आसपास कर लेना है, फिर यहाँ पर ग्रेन अमाउंट ऐड करके साइज़ को 0 कर देना है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है शार्पनेस और ये हमारा फोटो जो है कंप्लीट हो चुका है, जस्ट आपको एक्सपोजर और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। तो देख सकते हो ये रहा बिफोर वाला फोटो और ये देख सकते हो आफ्टर, कितना अच्छा टोन आया लाइटरूम एप्लीकेशन में। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना जो भी इस तरह का एडिट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर अभी अगले वीडियो पर।